इसके चलते काफ़ी ज़्यादा वाटर सेव रहता है। ये है इसका इको मोड, इसमें भी बहुत ही कम पानी निकलता है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल शावर जैसे निकलता है। ये होल्स वगैरह ये हमारे नॉर्मल टाइप के होल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जेट फ्लो में आप लोग देख सकते हैं इसका लेस देन 500 ml पर मिनट ये वाटर निकलता है, और इको मोड में करीब आपको लेस देन 5 लीटर इको मोड में करीब 3 से 4 लीटर। तो दोस्तों ये है इको 365, ये एक बेसिकली वाटर सेविंग डिवाइस है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पानी बह जाता है बेसिकली ब्रश करते टाइम या सब्जी वगैरह धोते टाइम या हैंड वॉश तक, आप लोग अक्सर देखेंगे करीब 4 से 5 लीटर पानी आराम से वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस डिवाइस का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। ये मैंने रिसेंटली अमेजन से मंगाया है, ये काफ़ी एक अच्छे ब्रांड का है। ये बेसिकली जो ब्रांड है ये वाटर सेविंग इक्विपमेंट्स काफ़ी अच्छे से बनाती है, और मैं जल्दी से पहले इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। और दोस्तों अगर आप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको खरीदने के लिए तो मैंने इसकी अमेजन इंडिया की लिंक अपने कमेंट में डिस्क्रिप्शन दे दी, आप लोग डेफिनेट चेक कर सकते हैं। कभी 500 से 550 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा, लेकिन ये आपकी पानी को बहुत ज़्यादा बचाएगा। और अगर आप अनबॉक्सिंग करके दिखाऊँ तो आपको बेसिकली ये हमको जो अटैचमेंट मिलता है ये बेसिकली आपके नल में लग जाता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं ये इसके अंदर ये दो मोड में काम करता है, इसके अंदर एक जेट मोड है और एक इको मोड है। तो जेट मोड में अगर मैं बात करूं तो जेट मोड में करीब 1 लीटर पर मिनट का पानी निकलता है, और अगर हम लोग बात करें इको मोड में करीब 3 से 4 लीटर पर मिनट का पानी निकलता है। लेकिन अगर आप इस टैप को अगर आप नहीं लगाते हैं तो यूजली आपका इससे कई गुना ज़्यादा पानी हर एक मिनट में वेस्ट होता है। जो भी आप लोग हैंड वॉश किया सब्जी वगैरह जब भी आप ब्रश वगैरह करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर मैं इसके टैप के ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बताऊँ तो उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो ये होल्स वगैरह ये हमारे नॉर्मल टैप के होल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये जो इको मोड है इसके अंदर भी आपका करीब बहुत ज़्यादा पानी बच जाता है, और ये नॉर्मल टैप का आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होल होते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी वेस्ट होता है। ये बेसिकली नॉर्मल जो आप लोग कोई भी शॉप से कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा फिटमेंट है जो मैंने अमेजन से मंगाया इसको आप लोग कोई भी किचन हो गया या बाथरूम में किसी भी टैप में इसको आसानी तरह से लगा सकते हैं, और इसके दो थ्रेड है। अगर आपका इनर थ्रेड है तो इनर थ्रेड के थ्रू भी आपको इसको अटैचमेंट को लगा सकते हैं। अगर आपका जो टैप है उसका आउटर थोड़ा छोटा है तो आप लोग बाहर के थ्रू भी इसको काफ़ी अच्छे से लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये इनर आउटर दोनों तरीके से बहुत इसी तरीके से ही ये लग जाता है। इसके अंदर मैं और चीज़ बताऊं तो इसके कुछ थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और आप ले सकते हैं बी अ वाटर हीरो, जैसे इनका ब्रांडिंग ही ऐसा है। ये 360 डिग्री घूमता भी है, मतलब वॉश करते टाइम ये पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है। और ये है इसका जेट फ्लो, जेट फ्लो में आप लोग देख सकते हैं इसका लेस देन 500 ml पर मिनट ये वाटर निकलता है, और इको मोड में करीब आपको लेस देन 5 लीटर पर मिनट वाटर यहाँ पे निकलता है। तो ये बेसिकली इसका दो मोड है। जेट में ना बिल्कुल एकदम ऐसे जेट का स्प्रिंकल जैसे आपको दिखेगा, पानी ऐसे यूजली दिखेगा भी नहीं, लेकिन पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में गिरता है। और इको मोड में आप लोग इको फ्लो में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पानी ओवरऑल निकलता है। यहाँ पे इसके और भी काफ़ी सारे बेनिफिट, जैसे सेव वाटर, काफ़ी इजी टू इंस्टॉल, मतलब आपको कोई भी किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, आराम से आप लोग खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं, और डुअल फ्लो के साथ ही आपको मिल जाता है। इसके कुछ थ्रेडिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे आउटर थ्रेड देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा दिया है 24 mm का, और इनर थ्रेड 22 mm का। तो अगर आपके घर में दोनों ही टैप है दोनों टैप में आप लोग इसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे ना इसका फ्लो चेंज होता है, जब आपको मन करेगा जेट फ्लो आप लोग लगा सकते हैं, जब मन करेगा आप लोग इको फ्लो लगा सकते हैं। इसको वॉश करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं कितना कम पानी में आप लोग अपने वेजिटेबल वगैरह या काफ़ी अच्छे से क्लीन वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके पीछे में इसका डिज़ाइन वगैरह दिया है कुछ इस तरह से ये लगता है। ये है इसका जेट फ्लो और ये इसका आपको इको मोड देखने मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं इसकी आपको लगा के दिखाता हूँ, लगाने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया मिलेगा कि ये ओवरऑल प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। हालांकि उसके अलावा यहाँ पे स्टिकर वगैरह दिया हुआ है, आप लोग अपने बेसिन वगैरह के आसपास लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे कुछ इसके और भी प्रोडक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं, अगर आपको इनकी भी जरूरत हो तो डेफिनेटली आप लोग इनकी वेबसाइट में सारा जानकारी चेकआउट कर सकते हो। चलिए पहले इसको मैं आपके नल में लगा के दिखाता हूँ, और पीछे में देखेंगे ये लगभग लगभग सारे नल टैप वगैरह में सब में फिट हो जाता है। ये वाले टैप में फिट हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा, सारे टैप में आसानी से फिट हो जाता है। बेसिकली इसका जो साइज़ होता है वो 22 या 24 mm यहाँ पे होना ही चाहिए। इनका एक और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, वो है इसका फ्लश सिस्टम, ये भी काफ़ी ज़्यादा अपन नेक्स्ट वीडियो में चेकआउट करेंगे। तो चलिए पहले इसको लगा के दिखाता हूँ। तो अभी आप लोग देखेंगे ये नॉर्मल टैप है जो आपको बेसिकली कभी भी आपको कुछ नहीं इस तरह टैप लेंगे तो आपको इसी ए वाला फ्लो मिलेगा, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। आप लोग देख सकते हैं इसके करीब बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज होता है। और अभी मैं अपना वो जो अटैचमेंट है उसको लगा के दिखाऊँ, उसमें आप लोग देखिए कितना कम पानी यहाँ पे वेस्टेज होता है। देख सकते हैं इसको लगाना भी बहुत ज़्यादा ईजी, इसका जो बस थ्रेड होता है, अगर आप आउटर थ्रेड लगाएंगे तो देख सकते हैं ये इनर थ्रेड के थ्रू लग जाता है। अगर आपको ऊपर वाला टैप साइज़ बड़ा है तो ये जो अटैचमेंट है उसके आउटर थ्रेड में आप लोग लग जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी तो है, देख सकते हैं कुछ भी नहीं टाइम लगा और ये तुरंत यहाँ पे कनेक्ट भी हो गया। अभी आप लोग देखिएगा इसका फ्लो कितना कम आता है। ये देखिएगा ये है इसका इको मोड,
इको वन में करीब 3 से 4 लीटर पानी पर मिनट निकलता है। आप लोग देख सकते हैं इससे पहले जब मैंने देखा कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर निकला था, पर इसमें बहुत ही कम वाटर निकलता है। और ये ना 360 डिग्री मूवेबल भी है, आप इसको आराम से मूव कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा मोड है ये है इसका जेट मोड, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे आपको शायद कैमरा में दिखे भी नहीं। ये बेसिकली मोड है, ये जब आप लोग सब्जी वगैरह धोते हैं या ब्रश वगैरह करते हैं उस समय ये मोड काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ये बिल्कुल स्प्रिंकल करता है और इस समय करीब 0.5 लीटर से भी कम पानी का इसका जो फ्लो है वो है, करीब 0.5 लीटर पर मिनट के आसपास इससे पानी निकलता है। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा वाटर सेव होता है। ये है इसका इको मोड, इसमें भी बहुत ही कम पानी निकलता है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल शावर जैसे निकलता है, और नॉर्मल अगर टैप में देखेंगे तो काफ़ी मोटा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा पानी आपके लिए बचा पाएगा, बहुत ही ज़्यादा सही है। इस एक बार इसको आप लोग डेफिनेटली अपने घर में लगाइए और पानी की बचत होगी, और इससे काफ़ी ज़्यादा आपका पैसे बचेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है।